हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह है मटेरियल टेक्नोलॉजी, जिसमें बताने वाला हूँ जो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन आती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे क्रिस्टल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, स्पेस लेटिस क्या होता है, जो यूनिट सेल में एटम्स का अरेंजमेंट होता है जैसे BCC, FCC, SCP, इन तीनों का फुल फॉर्म बताऊंगा मैं और विद डायग्राम समझाऊंगा। इससे पहले भी फ्रेंड्स मटेरियल टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से उसमें जाकर देख सकते हैं, या फिर आप देखेंगे सामने जो स्क्रीन दिख रही है उस पर अगर टच करेंगे तो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में एक आई बटन दिख जाएगा, उस आई बटन पर क्लिक करते ही हम डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए आप देखेंगे राइट साइड में उल्टा एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करके भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चारों की लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे फ्रेंड्स क्रिस्टल, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसको सिर्फ थोड़ा सा समझने और आपको याद हो जाएगा। क्रिस्टल एक्चुअली क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं किसी भी पदार्थ का जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं और जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं और जिनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मतलब हर एक एटम जो रहते हैं, बहुत सारे एटम्स रहते हैं जिनसे मिलकर एक किसी एक पदार्थ का निर्माण होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे हुए रहते, चिपके हुए रहते। इसी के आधार पर क्रिस्टल को डिफाइन किया गया। क्रिस्टल क्या है? एक सॉलिड है जिसमें क्या रहता है, एटम्स का अरेंजमेंट रहता है 3D पैटर्न में, एक रेगुलर एंड रिपीटेशन में सभी डायरेक्शन में, जैसा कि एग्जाम्पल पे दिखाया गया है, एक जो हमें दिखाई नहीं देता उस की जो एटम्स इस तरह के अरेंजमेंट थे जो हमें दिखाई नहीं देते, अब उनका अरेंजमेंट कैसे रहता है, कोई भी एटम दिख रहा है सामने आपको दिख रहा है कि रेगुलर एंड रिपीटेशन पैटर्न में सेम, रिपीटेशन मतलब होता है सेम, एक जैसा, मतलब एक ही एटम्स का बार बार रिपीट होना, उससे क्या होता है हमारे मटेरियल का निर्माण होता है। तो ये जो 3D पैटर्न दिखाया गया है एटम्स का अरेंजमेंट, इसको हम एग्जाम में नहीं बना सकते, इसकी जगह हम कौन सा एग्जाम में बनाएंगे, ए वाला डायग्राम। तो इसमें आपको जरूरी नहीं है जितने मैंने एटम्स दिखाए इतने आपको दिखाने, 10-15 जो भी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में एक जैसे जमा के ऐसे पूरे दिखाना है आपको, बार बार ऐसे इस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स में पूरा ऐसा अरेंजमेंट दिखाना है जितने भी आप एटम्स दिखाएं, और ये एटम्स में एक इधर करके एरो लगा के यहाँ पर लिख देंगे एटम्स, जो मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख देंगे जब भी एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे ये वाला, और यहाँ एरो लगा के लिख देंगे एटम्स। तो इस तरह आपको यूनिट क्रिस्टल को समझाना है। अब नेक्स्ट में यूनिट सेल समझते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स समझाने वाला हूँ यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लेटिस क्या। यूनिट सेल एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि एक मटेरियल का जो निर्माण होता है वो छोटे 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 ब्लॉकों से मिलकर बनता है जिनका रिपीटेशन होता है। जैसे मान लो कोई एक ब्लॉक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपको थोड़ा डार्क दिख रहा है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का ही क्या हुआ, रिपीटेशन हुआ, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस तरह सभी डायरेक्शनों में क्या हुआ, इसी पैटर्न का रिपीटेशन हुआ। मतलब कह सकते हैं किसी मटेरियल का जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे ब्लॉकों का रिपीटेशन होके क्या होता है, एक मटेरियल का निर्माण होता है। यह छोटे छोटे ब्लॉक कैसे रहते हैं, 3D पैटर्न में जमे हुए रहते हैं, तब एक सॉलिड का जो क्रिस्टल होता है या सॉलिड होता है कोई मटेरियल, उसका निर्माण होता है। अब यह छोटे छोटे जो रहते हैं क्रिस्टल है ना, तो जैसे समझ में आया होगा कि जो मटेरियल का निर्माण हो रहा है या जो हमारा पदार्थ बन रहा है वह छोटे छोटे ब्लॉकों से बनकर बन रहा है, मतलब एक जो स्टार्टिंग का ब्लॉक हुआ जिसके थ्रू ये पूरा मटेरियल का निर्माण हुआ है, जिसको रिपीट कर करके बार बार कैसे 3D पैटर्न में, उस पहले ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक अलग से निकाल के दिखा दिया गया मैंने कि इस ब्लॉक से मिलकर क्या हुआ, जो पहला ब्लॉक है जो कि किससे, एटम से मिलकर बना हुआ है ना, एटम्स, ये भी क्या होता है, छोटे छोटे एटम्स के जो ग्रुप रहते हैं, जो परमाणु रहते हैं उनसे मिलकर बना था, जो पहला ग्रुप, पहले ग्रुप से मिलकर क्या हुआ, पहला ग्रुप बना, इसके बाद क्या हुआ, इसका रिपीटेशन हुआ, उससे क्या हुआ, पूरे मटेरियल का निर्माण हुआ। तो जो पहला ग्रुप है ना, इस जिससे मिलकर पूरे मटेरियल का निर्माण हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब यूनिट सेल का ये डायग्राम जब एग्जाम में आए तो आप ये डेफिनेशन लिख दो सामने लिखिए, इसके बाद इसको डायग्राम बना दें। लेकिन अगर स्पेस लेटिस भी पूछता है उसमें समझाने के लिए, तो स्पेस लेटिस क्या होता है कि जैसा कि यूनिट सेल बताया, तो यूनिट सेल का ही एक पूरा जो मटेरियल का निर्माण है उसके थ्रू डिफाइन किया गया है। जैसा कि क्या होता है, जो स्पेस लेटिस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक पॉइंट अपने ही जैसे और पॉइंटों से घिरा हुआ रहता है, इसके अंदर
ये मटेरियल की डेफिनेशन क्या जो दिखता है इसी के अकॉर्डिंग बताया गया क्या होता है इसमें। कोई भी फॉन्ट है चाहे कोई फॉन्ट उस जैसे ही कई और पॉइंटों से घिरा हुआ रहता है। इस तरह का जो पैटर्न होता है उसे क्या बोलते हैं इस क्रिस्टल लेटिस है ना। तो फ्रेंड्स ये दो जैसे ये मटेरियल निर्माण हुआ जैसे मैंने बताया बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर क्या होता है एक क्रिस्टल बनता है या कोई स्ट्रक्चर बनता है सॉलिड मटेरियल बनता है। तो उसमें क्या रहता है जैसा कि हम जानते हैं जब बहुत सारी एक जैसे बने तो उसमें एक जैसे कोई भी जैसे एक एटम से तो ऐसे ही एटमों से बहुत सारे मिलकर जो घिरा हुआ रहता है या क्या होता है एरे एरे ऑफ पॉइंट्स मीन्स होता है घिरा हुआ अपने ही जैसे और दूसरे एटम से। तो इसी आधार पर जैसी डेफिनेशन दिख रही है क्या होता है क्रिस्टल क्या होता है एरे ऑफ पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशन। इसका मतलब होता है एवरी पॉइंट है सराउंडिंग आइडेंटिकल टू दैट एवरी अदर पॉइंट इन द एरे। ठीक है समझ गया होंगे फ्रेंड्स कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई एक एटम्स अपने ही जैसे अदर एटम से घिरा हो थ्री डी पैटर्न में उसे हम क्या बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस। अब ये जो डायग्राम है हम एग्जाम में नहीं बना पाएंगे स्पेस लेटिस के लिए या यूनिट सेल के लिए भी ये भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको पूरा कंप्लीट समझाना है एग्जाम में तो आप इस तरह का एक डायग्राम बनाए ब्लॉक बनाए उसके अंदर कहीं भी ये जरूरी नहीं जो मैंने यहाँ बताया आप यहाँ भी एक डार करके ब्लॉक बता सकते हैं कि एक यूनिट सेल क्योंकि इस तरह के ये बहुत सारे ब्लॉक दिख रहे हैं आपको। एक इस मटेरियल का निर्माण एक व्यू दिखाया फ्रेंड ये दिख रहा है इस मटेरियल निर्माण एक दो तीन चार पांच ऐसे बहुत सारे ब्लॉकों से मिलकर बना है लेकिन इसका एक ब्लॉक ये वाला पहला ब्लॉक जिसके थ्रू क्या जिसको रिपीट करके पूरे मटेरियल का निर्माण हुआ इस एक ब्लॉक को क्या बोलेंगे हम यूनिट सेल बोलेंगे। जैसा यहाँ पर हमने एक डार्क करके दिखाया ये डार्क दिख रही है कि इसको हम क्या बोलेंगे यूनिट सेल। तो या तो आप यहाँ दिखा दें कहीं भी दिखा के एरो लगा के आप यहाँ लिख सकते हैं यूनिट सेल। अब जो ये पॉइंट दिख रहा है इन्हें क्या बोलते हैं स्पेस लेटेस्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट दिख रहा है इसे बोलेंगे लेटेस्ट पॉइंट। तो आप यहाँ एरो लगा क्या लिख देंगे लेटेस्ट पॉइंट। ठीक है ये वो जो हमारा ये जो लाइन है क्या बोल देंगे इस तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट में लिख देंगे लेटेस्ट पॉइंट। ये जो लाइन बनेगी इस पे यहाँ एरो लगा लिख देंगे लेटेस्ट लाइन और ये क्या पूरा एक इसको क्या लिख सकते हैं ये जो इस तरह का ये 3D पैटर्न में ये जो पूरा होगा तो इस तरह का देखेंगे आप इस तरह का ऊपर का जो फेस उसको क्या बोलेंगे लेटेस्ट प्लेन। समझ में आएगा लेटेस्ट पॉइंट लेटेस्ट लाइन लेटेस्ट पॉइंट लेटेस्ट लाइन और लेटेस्ट प्लेन ये तीनों एरो लगा लिख देंगे और ये किसी एक ब्लॉक को हम क्या लिख देंगे यूनिट सेल। तो इस तरह हम डायग्राम को समझा सकते हैं। अब यूनिट सेल के अंदर जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का उसको वन बाई वन समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है किसी क्यूब के अंदर वो डिफरेंट टाइप्स का होता है या यूनिट सेल के अंदर पहला होता है सिंपल क्यूबिक दूसरा होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक तीसरा होता है फेस सेंटर क्यूबिक और फोर्थ होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक क्रिस्टल। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक। अब ये बहुत आसान होता है इसको डिफाइन करना। इसको डिफाइन करना इतना आसान होता है बहुत ज्यादा कि अगर किसी क्यूब के अंदर उसके सभी कॉर्नर पे एक एक एटम्स अरेंज हैं ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं सिंपल क्यूब। क्यूब मीन्स होता है बनाना आ जाए क्यूब ऐसे आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे फिर बीच से ऐसा काट के रेक्टेंगल बना देंगे फिर ये लाइनें सबको मिला देंगे इससे हमारा एक क्यूब बन जाता है। अब इसमें कितने आठ कॉर्नर होते तो आठों कॉर्नरों पे एक एक एटम्स क्या करना है हमें ऐसा बना देना गोल गोल जब आप एग्जाम में बनाएंगे इस तरह। तो इस तरह क्या होगी आठों कॉर्नर पे आठ एटम्स अरेंज रहते हैं इसमें सिंपल क्यूबिक की स्ट्रक्चर। ये क्या दिखाता है ये दिखाता है किसी मटेरियल के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। जो मटेरियल का निर्माण होता है जैसा मैंने बताया कोई मटेरियल दिखाया गया ये जो इस तरह जो एटम जमे हुए हैं चार इधर चार नीचे इस तरह का किसी मटेरियल का निर्माण होगा तो इस तरह का एटम्स का अरेंजमेंट रहता है जी हमें एग्जाम के पर्पज से ऐसा दिखाना पड़ता है। और इस तरह देखो ये क्या करते हैं वन बाई एट शेयर करते हैं मतलब जैसे ही ऐसे ब्लॉकों का जैसे मैंने अभी बताया स्पेशलिटीज में या यूनिट सेल में ऐसे ब्लॉकों क्या होता है रिपीटेशन होता है 3D पैटर्न में। तो कैसे रहते हैं देखो ये क्या करते हैं फिर ऊपर शेयर करते हैं ऊपर दिख रहा है एक और चिपक जाएगा यहाँ एक और चिपक जाएगा इधर भी तो ऐसे एक दूसरे से क्या होते हैं एटम्स को शेयर करते जाते हैं इस तरह पूरा एक सॉलिड मटेरियल का निर्माण हो जाता है। अब नेक्स्ट वाला BCC देखते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक किसे बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूब में क्या रहता है जिसमें एक ऐसा क्रिस्टल जिसके जिसके आठों कॉर्नर पर एक एक एटम्स अरेंज हो और उसके सेंटर पर एक हो किसमें आठों कॉर्नर पर एक एक एटम्स अरेंज हो और एक कॉर्नर पर हो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक।
याद रहा, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक मतलब होता है आठ होते हैं उसके कॉर्नर पे और एक होता सेंटर पे। इस तरह एक हमें ये वाला एग्जाम में डायग्राम बनाना ये दिख रहा है, लेकिन ये हमने थोड़ा एग्जाम्पल की किस तरह का अरेंजमेंट रहता है दिख रहा है, बड़े बड़े आइटम्स करके दिखाया है किसी मटेरियल में इस तरह का एक बीच में रहता है। और ये वाला क्या शेयरिंग होती है, इसमें जो कॉर्नर वाले आइटम्स होते हैं शेयर करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि ये बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर बनाता है जिसमें कुछ बहुत सारे जो हमारे एग्जाम्पल रहते हैं कौन से मटेरियल में इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो जिस तरह दिख रहे हैं आयरन में होता है, लिथियम में होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, इस तरह के बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिसमें ये बी सी सी अरेंजमेंट होकर क्या होता है इस मटेरियल का निर्माण होता है या इस तरह की स्ट्रक्चर पाया जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फेस सेंटर क्यूबिक, एफ सी सी शॉर्ट में बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, ये क्यूब रहता है उसके सभी कॉर्नर पे एक एक एटम्स अरेंज रहता है, सभी कॉर्नर पे एक एक अरेंज रहता है उसके सभी फेसेस पे, और जो फेस रहते हैं उन पर भी क्या होता है एक एक एटम्स अरेंज रहता है। तो जैसा इसमें दिखाया एग्जाम्पल में एक दो तीन चार कॉर्नर में होगा, एक दो तीन चार और नीचे चार, मतलब चार चार आठ कॉर्नर में होगा, फिर क्या होता है ये फेस दिख रहा है इस तरह इस तरह, एक फेस पे ऊपर वाले पे होगा, इस तरफ का फेस देखो तो एक इस पे हो गया, तो बाहर वाला फेस देखो बाहर वाले पे हो गया, इस तरफ का फेस देखे तो इस तरफ पे हो गया, पीछे वाले फेस पे ये हो गया और नीचे वाले फेस पे हो गया। तो इस तरह जितने फेस रहते हैं उतने फेसों पे रहते हैं, मतलब कितने रहते हैं क्यूब में सिक्स फेस रहते हैं, तो सिक्स एटम्स कहाँ सभी फेसों पे एक एक सेंटर में रहते हैं, सारे फेस के एक एक सेंटर में रहते हैं और एक एक कॉर्नर में रहते हैं, तो इस तरह आठ कॉर्नर में रहते हैं और छह फेस में रहते हैं। तो ऐसे इस तरह का अरेंजमेंट क्या होता है एफ सी सी। नेक्स्ट होता है एस सी पी, जो एफ सी सी अरेंजमेंट जो हमेशा पाया जाता है किस तरह के, जैसे कि एल्युमिनियम है, कॉपर है, निकिल है, कुछ डक्टाइल मटेरियल है, इस तरह के जो मटेरियल रहते हैं उसमें इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है एस सी पी। जैसा कि नाम है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल, तो हेक्सागोनल से हम पता है कि इसका जो ऊपर का फेस कैसा होगा हेक्सागोनल होगा, नीचे का हेक्सागोनल होगा। तो ऊपर का जो हेक्सागोनल रहता है उसमें कितने सिक्स कॉर्नर रहते हैं, तो सिक्स कॉर्नर पे एक एक एटम अरेंज रहता है और उसके ऊपर भी जो सेंटर रहता है जो ऊपर वाले में उसमें एक रहता है। इस तरह नीचे के फेस में भी सिक्स कॉर्नर रहते हैं, उसमें सिक्स एटम्स अरेंज रहते हैं और एक सेंटर में रहता है। और क्या रहता है इसके जो बीच में बीच वाले फलक पे या बीच में सेंटर में क्या रहता है, एक थ्री डी जो जो मतलब ट्रायंगल फॉर्म में तीन एटम्स अरेंज रहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, इसके जो अपर वाले फेस है उसपे सिक्स कॉर्नर में सिक्स एटम और उसके एक सेंटर में, इस तरह बॉटम वाला जो हमारा फेस है उसके सिक्स कॉर्नर में एक सेंटर में, तथा इसके सेंटर में जो ट्रायंगल फॉर्म में भी तीन एटम्स अरेंज रहते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट जो कहलाता है क्या है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट। इस तरह का जो एटम्स का अरेंजमेंट रहता है वो मैक्सिमम डक्टाइल मटेरियल में पाया जाता है, जिंक में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, इस तरह के कुछ मटेरियल रहते हैं जिसमें जो एस सी पी टाइप का जो अरेंजमेंट है वह मिलता है। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कुछ डेफिनेशन आती है एग्जाम में वो बताने की कोशिश की। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।